सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट में आ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी से एक बार दोस्तों कमेंट में आइए और लिखिए जय हिंद। शुरुआत आपकी जय हिंद से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं दोस्तों। और हम लोगों का टारगेट ये है दोस्तों कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जैसा कि मैं बताया हूं दोस्तों, अगर आप पिछली क्लास अर्थात कल की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, देख लीजिएगा, क्योंकि कल हमने पूरा बता दिया आपको कि कैसे हमको पढ़ना है और किस तरह से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो कल वाली क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि आज से आपकी क्लास चलेगी, अर्थात जो शाम वाली क्लास है 4 बजे की, जो प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, प्रैक्टिस बैच आपकी शाम को 4 बजे चलेगी। और उसके बाद 7 बजे आपके रागा के क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। दो चीजें जो सुबह दोस्तों, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, जो सुबह आपकी 10 बजे चलती है बैच, अर्थात जो अभी चल रही है दोस्तों, ये आपकी इंग्लिश की बैच है, ठीक। ये आपका एक्स वाई दोनों ग्रुप के लिए है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 4 बजे चलता है आपका, जो कि आपकी प्रैक्टिस बैच चलती है दोस्तों, ये भी आपकी एक्स वाई दोनों के लिए है दोस्तों। उसके बाद आपका 7 बजे चलता है, ये आपकी जो है रागा के प्रश्न रहेंगे दोस्तों इसमें, और ये भी आपका एक्स वाई के लिए है, ठीक दोस्तों। बच रहा है मैथ और साइंस आपका, जी हाँ दोस्तों, मैथ और साइंस बच रहा है आपका एक्स ग्रुप के लिए। तो दोस्तों मैथ और साइंस वाली बैच चलाई जाएगी, ये भी क्लास चलेगी, बट अभी टाइम नहीं सेट हो पा रहा है दोस्तों, इसीलिए ये क्लास अभी रोकी गई है। जो आपकी ये प्रैक्टिस बैच है दोस्तों, इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, और साथ ही चूंकि मैथ और साइंस के भी क्वेश्चन इसमें करवाए जाते हैं दोस्तों, तो इसी में आपको मैथ और साइंस अभी मिलेगी दोस्तों। फिर अगर अवेलेबल हो पाता है दोस्तों तो मैथ और साइंस की बैच भी इसमें चलवा दी जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने वहां पर कम्युनिटी टैब पर जा करके बताया नहीं है कि कौन से बच्चे एक्स ग्रुप के हैं, कौन से वाई ग्रुप के हैं, तो उसमें दोस्तों जा करके जरूर बता दीजिए आप लोग। एक बार जल्दी से कमेंट में आ जाइए। जय हिंद पबजी लवर, क्या नाम है, जय हिंद इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय हिंद मुकेश, दीपक, जय हिंद आशीष, राजेश, जय हिंद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का सेशन है दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि हमको पढ़ना किस प्रकार है, जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियो देख लेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिली हुई दिखेगी, या फिर आप यहाँ पे आई बटन बनी होगी, जब स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई लिख के आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, वीडियोज मेरी मिल जाएंगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों, और इंग्लिश में सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं रूल। तो रूल में दोस्तों देखिए, रूल में डेली का हम दो रूल बताते हैं दोस्तों। एक तो रूल आपका कंपलसरी रहता है, और दूसरा रूल आज से जो है दोस्तों आपका स्टार्ट होगा नाउन चैप्टर का। जी हाँ दोस्तों, नाउन चैप्टर का दोस्तों, नाउन चैप्टर के रूल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। डेली आपको एक या दो रूल डेली जो है आपको बताया जाएगा। तो जैसा कल आपको बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है हमको, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी अपनी करेंगे दोस्तों, और निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों। एक बार जल्दी से आप हर जगह शेयर कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कुछ वर्ड लिखे होंगे, लिखा हुआ है अनटिल डॉट डॉट नॉट, अनलेस डॉट डॉट नॉट, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, डेनाई, लिस्ट, बट फॉर, बेयरली। जी हां दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कुछ वर्ड लिखे हैं दोस्तों, अनटिल, अनलेस, रेयरली, बेयरली, देख रहे होंगे दोस्तों, सेल्डम, डेनाई, कुछ वर्ड लिखे हैं दोस्तों। देखिए होता क्या है, ये जितने भी वर्ड लिखे हैं देखिए, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं दोस्तों, तो कभी भी निगेटिव वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं अनलेस मिल जाएगा आपको दोस्तों, तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
अगर कहीं अंटिल मिल जाएगा दोस्तों तो अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहीं रेयरली मिल जाएगा दोस्तों, बेयरली मिल जाएगा दोस्तों, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कहीं डेनाई मिल जाएगा दोस्तों तो उसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं और निगेटिव वर्ड्स के साथ दोस्तों निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब नमक के साथ नमक नहीं खाया जाता दोस्तों। अर्थात अगर आपका लिखा है अनलेस और अनलेस वाले सेंटेंस में कहीं पर नॉट मिल गया, अनलेस वाले सेंटेंस में कहीं पर नॉट मिल गया दोस्तों, तो जहां पे नॉट मिलेगा वही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह अगर आपका लिखा हुआ है अनलेस हो गया, अंटिल हो गया दोस्तों, अगर अंटिल लिखा हुआ है और इसके साथ सेंटेंस में कहीं पर नॉट मिल गया तो वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कॉमन एरर का मैं बता रहा हूं। उसी तरह दोस्तों अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, रेयरली हो गया दोस्तों, और रेयरली के साथ अगर आपको नॉट मिल जाए दोस्तों, ठीक, रेयरली हो गया, आर ए आर ई होगा दोस्तों, आर ए आर ई एल वाई है, आर ए आर ई एल वाई है, रेयरली हो गया दोस्तों, बेयरली हो गया, अगर इसके सबके साथ नॉट मिल जाएगा दोस्तों तो जो नॉट वाला पोर्शन है वही आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे। मैंने कहा है दोस्तों आप एक नोट्स बनाइए, मेरे साथ लिखते चलिएगा दोस्तों, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको बाद में मिलती है, ठीक, जैसे आज की पीडीएफ आपको कल मिलेगी, कल की पीडीएफ परसों मिलेगी, इस तरह मिलती है। तो आप परेशान मत होइएगा दोस्तों, मेरे साथ आप लिखते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा साथ साथ। तो क्या बताया हमने दोस्तों, अनलेस, अनटिल, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली और डेनाई, ये सब वर्ड्स अगर आपको मिल जाएं और इसके साथ कहीं पर नॉट लगा मिल जाए दोस्तों, तो जो नॉट लगा रहेगा दोस्तों वही पोर्शन आपका गलत होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों करेक्ट और इनकरेक्ट पर, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों, कह रहा ही डिड नॉट डिनाई दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। जी हां दोस्तों, ही डिड नॉट डिनाई, वह इससे इनकार नहीं करता, दैट माने कि ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं गया, देयर माने वहां, मतलब कि वह इससे इनकार नहीं करता कि वह यहां नहीं गया, मतलब। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें आपको नॉट मिल गया, यानी कि ही डिड नॉट डिनाई, और हमने कहा दोस्तों कि कभी भी अनलेस मिल जाए आपको, अनटिल मिल जाए आपको, रेयरली मिल जाए आपको, तो इसके सबके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि एरर किसमें है, पहले क्वेश्चन में एरर बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसमें कौन सा गलत होगा पहले में। ज्यादातर बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, हेलो पबजी सही जवाब है आपका, दिनेश आपका भी सही जवाब है, महेश आपका भी सही जवाब है, राजेश आपका भी सही जवाब है, क्या नाम है, अच्युतानंद शुक्ला आपका भी सही जवाब है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ही डिड नॉट डिनाई लिखा हुआ दोस्तों, और मैंने कहा कि कभी भी डिनाई और नॉट, अर्थात डिनाई के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो जिस क्लास में, क्लास का मतलब होता है, जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, ही डिड नॉट डिनाई, ठीक, ही डिड नॉट डिनाई, क्या लिखा है, दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। जी हां दोस्तों, यही वर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए क्लाज का मतलब यह हुआ कि जो आपका कंजक्शन लगा हुआ है, इसके पहले एक क्लाज है दोस्तों और इसके बाद एक क्लाज है, तो अर्थात दो क्लाज हमको दिख रही है दोस्तों। और मैंने क्या कहा कि जिसमें ये, जिस क्लाज में ये सब वर्ड रहेंगे उस क्लाज में नॉट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर डिनाई भी है और यहां पर नॉट भी है, तो मैंने कहा दोस्तों कि डिनाई के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, अर्थात जो एरर होगी दोस्तों वो किस पार्ट में हो जाएगी, पहले का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। अनलेस मतलब जब तक नहीं, और तो अनलेस यानी कि जब तक नहीं, डू नॉट वर्क हार्ड, जब तक नहीं कठिन परिश्रम नहीं करते, मतलब जब तक तुम नहीं कठिन परिश्रम नहीं करते, आगे क्या है, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफल नहीं होगे। तो
तो यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, इसमें नॉट दो बार, मतलब शुरू में नहीं, एक तो अनलेस में आपको मिल गया जब तक नहीं, और एक तो आपको नॉट वर्ड ही दिया गया है। तो अर्थात जो इसमें दोस्तों एरर होगी वो क्या हो जाएगी, आप लोग बताइए, दूसरे वाले में क्या एरर होगी बताइए आप लोग। तो दोस्तों दूसरे वाले में भी जो एरर होगी आपकी पार्ट ए में होगी। सही बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करिए, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करिए। आगे चलते हैं, ही हैड हार्डली नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। क्या कहा दोस्तों सुनिएगा, ही हैड हार्डली नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। दोस्तों ही हैड हार्डली नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य जो है पूरा नहीं किया था, या मुश्किल से ही पूरा नहीं किया था। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दो निगेटिव वर्ड हैं, और मैंने कहा कि दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं रहेंगे, अर्थात जो इसका नॉट होगा एक ही नॉट रहेगा दोस्तों। तो इसमें जो आपका एरर होगा वो हो जाएगा दोस्तों पार्ट ए में एरर होगा। जैसे चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड नॉट फेल। देख रहे हैं दोस्तों, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, लेस्ट मतलब होता है दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि। तो क्या अर्थ निकला इसका कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल नहीं हो जाओ। तो दोस्तों तुम फेल हो जाओ, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, या फिर यह होगा कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल नहीं हो जाओ। तो दोस्तों इसका जो सही होगा, अर्थात इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जो एरर होगी दोस्तों वो बी पार्ट में होगी। ठीक, तो ये चीज है दोस्तों, पांचवा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आप लोग बताइए कमेंट, इसका कमेंट करिए और बताइए कि क्या सही हो जाएगा। बट फॉर नॉट द लेग इंजरी ही सफर्ड लास्ट ईयर, ही वुड प्रोबेबली हैव बीन पिक्ड फॉर द नेशनल टीम बाय नाउ। जी हाँ दोस्तों, तो हमने कहा कि नॉट का नॉट हटा देंगे दोस्तों। तो देखिए पहले वर्ड में ए ऑप्शन में आपको नॉट भी दिख रहा है, देख रहे होंगे दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको नॉट भी दिख रहा है और बट फॉर भी दिख रहा है। हमने कहा कि बट फॉर के साथ दोस्तों नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये था पहला रूल दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए, अनलेस, अनटिल, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, लिख लीजिए दोस्तों, अनटिल, अनलेस, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, सेल्डम, डिनाई, लेस्ट, बट, बेयरली। इसके सब के साथ दोस्तों नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका जो पहला था रूल का, वो हमने बताया। अगला रूल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, अगला रूल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा रूल क्या दिख रहा है देखिएगा दोस्तों। लिखा है कि कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नाउन होते हैं, नाउन किसे कहते हैं दोस्तों, पूरे विश्व में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सभी नाउन है। मार्कर नाउन है, बोर्ड नाउन है, आप नाउन है, डस्टर नाउन है, कापी किताब नाउन है, जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं वो सभी नाउन है दोस्तों। एक चीज आप एक सिंपल भाषा में जानिएगा, देखिए चूंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा रामायण पढ़िए, केवल आप वही पढ़िए जो आपसे पूछा जाता हो दोस्तों। तो जैसा कि जो एग्जाम एक आध बार दे चुके होंगे वो पता भी होगा उनको कि हाँ ये सब पूछा जाता है। अगर आपको मजा आ रही हो दोस्तों तो जय हिंद लिखिए, जय हिंद लिखिए सब लोग, मजा आ रही हो तो दोस्तों, मजा आ रही हो तो जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों रूल पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर रूल लिखा हुआ है दोस्तों, क्या कह रहा है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा दोस्तों, लगेज, एडवाइस, ठीक, लगेज, एडवाइस, बगेज, सीनरी, दिख रहा होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा होगा, लगेज, बगेज, ब्रेकेज, पोस्टेज, ड्रेनेज, वेस्टेज, इमेजरी, ठीक, सीनरी, पोट्री, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन। तो इनके सबके पहले दोस्तों हेयर,
तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, लिख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिएगा। एक लगेज इंपॉर्टेंट है, एक पूरा तो आप लिखिएगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं टिक लगवा दे रहा हूं दोस्तों, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे जो 2018 का था एयरफोर्स का पेपर, उसमें दोस्तों एडवाइज आया था, ठीक, उसमें एडवाइज को नीचे एडवाइजेस करके दिया गया था। और जो आपका 2019 फर्स्ट में अर्थात मार्च में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें आया था कि एडवाइज का प्लूरल क्या होगा दोस्तों, मतलब एडवाइज का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों। लगेज हो गया आपका, एडवाइज हो गया आपका, इंफॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक। ये सभी दोस्तों देखिए, इनके सबके साथ दोस्तों यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। एक आपका और है सीनरी, जी हां दोस्तों, सीनरी, यस सी ई एन ई आर वाई, सीनरी। तो इन सभी के साथ ये मतलब और वर्ड तो ही है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा दोस्तों, इसको आप लोग अलग से लिख लीजिएगा। एक और है दोस्तों मिसचीफ, एम आई एस सी एच आई ई एफ, जी हाँ दोस्तों, एम आई एस सी एच आई ई एफ, मिसचीफ। तो ये सभी दोस्तों वर्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और ये सभी वर्ड पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको कहता है प्लूरल बनाइए। तो प्लूरल कैसे बनाते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा अभी। जैसे सीनरी का अगर इसका सबका प्लूरल बनाना है दोस्तों, तो इसका सबका प्लूरल कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा, आइटम्स ऑफ, जैसे आई टी ई एम एस, आइटम्स ऑफ। तो अब कोई अगर सामान है दोस्तों, तो वहां पे आइटम्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सीनरी अगर है तो आइटम्स ऑफ, तो सीनरी का प्रयोग करते हैं दोस्तों आइटम्स ऑफ करके, तब फिर लिख देंगे आइटम्स ऑफ सीनरी। या फिर दोस्तों जो भी आपकी दी गई है, इसको जब आप प्लूरल बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों इस पर कुछ कॉमन एरर कर लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जैसे लिखा होगा, या नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, माई ब्रदर डिड नॉट लाइक, माई ब्रदर डिड नॉट लाइक माई एडवाइसेस, जी हां दोस्तों। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि क्या इनकरेक्ट है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। आप लोग दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, माय ब्रदर डिड नॉट लाइक माय एडवाइसेस। माय ब्रदर मतलब मेरा भाई, डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता है, माय एडवाइसेस। और मैंने कहा दोस्तों कि आपको एडवाइस हो गया, सीनरी हो गया, लगेज हो गया, बकेज हो गया, इसके सबके साथ दोस्तों यस या यस का प्रयोग नहीं करते। तो अर्थात यहां पे देख रहे हैं दोस्तों यस लगा हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहां पर एडवाइस ही होगा, जी हाँ दोस्तों, यहां पर एडवाइसेस ना होकर के क्या होगा दोस्तों, एडवाइस होगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। मोहित सर समझ में आ रहा है, आशीष सर समझ में आ गया, दीपक सर समझ में आ गया, सतेंद्र सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, धन्यवाद सतेंद्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ही हैज, अगला देखते हैं दूसरा वर्ड, ही हैज सम ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, जी हाँ दोस्तों, ही हैज सम ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, जी हाँ दोस्तों, ही हैज माने उसके पास है, सम माने कुछ, ब्यूटीफुल माने सुंदर, फर्नीचर्स मतलब, फर्नीचर्स मतलब होता है दोस्तों सामान, यानी कि लकड़ी के सामान जो होते हैं उन्हें फर्नीचर्स कहते हैं। तो अब मैंने कहा दोस्तों इसमें एरर क्या है, आप लोग बताइए, अगर मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसको ए कर दूं दोस्तों, और इसको बी कर दूं दोस्तों, और इसको मैं सी कर दूं दोस्तों, और डी में कर दूं नो एरर, तो आप लोग बताइए कि इसमें जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा दोस्तों। देख रहा हूं कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, जी हां, अर्थात ये जो फर्नीचर्स है दोस्तों, फर्नीचर्स ना होकर के क्या होगा दोस्तों, फर्नीचर होगा, जी हां, फर्नीचर्स ना होकर के क्या होगा दोस्तों, फर्नीचर होगा, जी हां। तो ये था आपका जो है आज का दूसरा रूल दोस्तों।
चलते हैं आगे, आगे चलते हैं दोस्तों वोकैबुलरी पर। और देखिए अगर आपको कहीं भी, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिएगा। कभी कभी तीन, दो तीन वर्ड और हैं दोस्तों, लिख देता हूं मैं। जैसे कि आपका हेयर का आता है, जी हाँ दोस्तों, हेयर मतलब होता है दोस्तों बाल, हेयर मतलब दोस्तों बाल होता है। या फिर ब्रिक, बी आर आई सी के, ब्रिक मतलब होता है दोस्तों ईट। और स्टोन, जी हाँ दोस्तों स्टोन, स्टोन हेयर मतलब बाल, ब्रिक मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें जो है ये पहला और दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होता क्या है कि जैसे अगर कहीं हेयर लिखा है, केवल हेयर लिखा है दोस्तों, तो हेयर्स कहीं नहीं लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हेयर्स अकेले कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसके पहले कोई गिनती लगा दी जाए, जैसे 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इसके पहले कोई न्यूमेरियल मतलब कि न्यूमरल है, अगर इसके पहले कोई न्यूमरल है अर्थात कोई नंबर है दोस्तों, अगर इसके पहले कोई नंबर है तो इसके पहले यस लगेगा। अगर इसके सबके पहले कोई नंबर है दोस्तों तो इसके पहले यस लगेगा, लेकिन अगर नंबर नहीं है दोस्तों तो उसके पहले यस नहीं लगेगा। जैसे जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। जी हाँ दोस्तों, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं दोस्तों। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं परीक्षा में। और हमने कहा कि जितने भी चीजें पूछे जाती हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी, जो एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा दोस्तों, जो एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा। दिस हाउस, ठीक, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। जी हाँ दोस्तों, दिस हाउस माने यह घर। अब आप लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दिस हाउस माने यह घर, इज मेड माने बना है, ऑफ माने का, ब्रिक्स एंड स्टोन्स मतलब ईंटों और पत्थरों का बना है, यह घर ईंटों और पत्थरों का बना है, तो दोस्तों ये गलत हो गया। मैंने कहा कि अगर इसके सबके पहले नंबर नहीं लिखा, नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 500, 1000, 2000, अगर नंबर नहीं लिखा दोस्तों तो कभी भी इसमें यस का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात ये हो जाएगा ब्रिक एंड स्टोन। जी हाँ दोस्तों, तो अर्थात इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। जी हाँ, कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, बताइए कि कहां पे आपको समस्या आ रही है। तो देख रहा हूं दोस्तों आप लोग लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, एकदम सही कमेंट कर रहे हैं, आप सबका बहुत सही जवाब है दोस्तों। अगर यहीं पर दोस्तों मेड ऑफ, यहीं पर दोस्तों अगर यहीं पर लिख देते हम 100s, तो दोस्तों देखिए अगर हंड्रेड्स नहीं, 100 होगा, 100 ये आप हटा देंगे, अर्थात दिस हाउस इज मेड 100 ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तब ये सही हो जाएगा दोस्तों 100, मतलब यह घर जो है 1000 ईंटों और पत्थरों का बना है। तो अगर नंबर आगे लिख दिया जाएगा दोस्तों तो इसमें यस लगेगा, और नंबर नहीं लिखा जाएगा दोस्तों तो इसमें यस नहीं लगेगा। तो ये चीज था जो दोस्तों आज का, आगे चलते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों का क्या है आगे, अगला स्टेप है दोस्तों, हम लोगों का वन वर्ड पढ़ेंगे और आइडम्स फ्रेज पढ़ेंगे। तो जैसा कि कल देखे होंगे, अगर आप आज फर्स्ट डे है आपका, तो आप लोग जो है पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैं पूरा बताया हूं कि हमको पढ़ना किस तरह से है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज आगे चलते हैं और आगे हम लोग वन वर्ड पर करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों वोकैबुलरी भी इंपॉर्टेंट है, तो वोकैब और प्लस ग्रामर दोनों चीजें मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगला चलते हैं दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोग नोट्स में लिखते चलिएगा दोस्तों, कहीं भी कोई भी समस्या हो तो बताइएगा दोस्तों। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेलिकोस। जी हां दोस्तों, BELLCOSE, बेलिकोस। देखिए दोस्तों बेलिकोस का मतलब होता क्या है, बेलिकोज क्लोज, क्लोज मतलब होता है घनिष्ठ। जब आप किसी के ज्यादा करीब हो जाएंगे दोस्तों तो आप में झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब बेलिकोज, बहुत कोज, बहुत कोज, बहुत कोज, मतलब बेलिकोज का मतलब होता है दोस्तों झगड़ालू। जी हां, बेलिकोज का मतलब होता है दोस्तों झगड़ालू, मतलब कि ए मैन हु फाइट मोर,
एक आदमी जो ज्यादा लड़ता हो झगड़ता हो वही चीज है, या वन हु रेडी टू स्टार्ट आर्गुमेंट और फाइट। मतलब एक व्यक्ति, वन हु रेडी, ठीक, रेडी की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, इसको आप लोग सही करिए, READY है, वन हु रेडी टू आर्गुमेंट or fight, मतलब वन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, रेडी माने तैयार रहता हो टू आर्गुमेंट, तर्क वितर्क करने के लिए, or fight अथवा लड़ने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बेलीकोज कहते हैं या फिर झगड़ालू कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरा वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या है सुनिएगा दोस्तों, कार्टोमेंसी। जी हाँ दोस्तों, CARTOMANCY, कार्टोमेंसी दोस्तों, CARTOMANCY, कार्टोमेंसी मतलब होता है दोस्तों ताश के पत्तों से भविष्य बताना। जी हाँ दोस्तों, ताश के पत्तों से भविष्य बताना। जी हाँ ठीक, ताश के पत्तों से भविष्य बताना वही चीज है दोस्तों कार्टोमेंसी। मतलब कि एक व्यक्ति, वन हु टेल द फ्यूचर फ्रॉम कार्ड्स, मतलब एक व्यक्ति जो कार्ड मतलब ताश के पत्तों से भविष्य बताता हो, मतलब आप देखे होंगे कि वहां पे ताश के पत्ते ऐसे रखते हैं, उससे आपका भविष्य बताएंगे कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अजीब माया है कि मतलब ताश के पत्ते से भविष्य बताया जाएगा। तो दोस्तों कार्टोमेंसी मतलब होता है ताश के पत्तों से क्या करना, भविष्य बताना। तो दोस्तों अगर कार्टोमेंसी मिल जाएगा तो आप ऑप्शन में ढूंढिएगा कि कहां पे फ्यूचर मिल रहा है दोस्तों, फ्यूचर शब्द कहां पे मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड है कि भविष्य बताने से रिलेटेड है, तो इसलिए कार्टोमेंसी दोस्तों क्या हो जाएगा, ताश के पत्तों से क्या बताना, भविष्य बताना। और दोस्तों आज का जो आखिरी वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो है सर्कम नेविगेटिव। क्या है स्पेलिंग देखिएगा दोस्तों, SIRCUM, सर्कम मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ, सर्कम मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ, और नेविगेट मतलब होता है घूमना, ठीक, सर्कम मतलब होता है चारों तरफ, नेविगेट मतलब होता है घूमना, और इसका मतलब होता है परिभ्रमण करना, परिभ्रमण करना या फिर चारों तरफ घूमना, सर्कम नेविगेट मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ घूमना या फिर परिभ्रमण करना, तो इसका क्या हो जाएगा, टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, टू सेल SAIL है दोस्तों, लिख दे रहा हूं मैं, टू सेल राइट द वर्ल्ड। जी हां दोस्तों, टू सेल राउंड द वर्ल्ड, RUND, राउंड द वर्ल्ड। कहीं भी दोस्तों कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, और मजा आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, मजा आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ये सभी वर्ड हैं दोस्तों जो कि पूछे जाते हैं, और जहां तक मेरा जो टारगेट है दोस्तों, कम से कम दोस्तों 500 वर्ड आपको रटा दूंगा, फिक्स है 500 वर्ड मैं आपको रटा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सर्कम नेविगेट मतलब होता है परिभ्रमण करना, कार्टोमेंसी मतलब होता है ताश के पत्तों से भविष्य बताना, और बेलिकोज मतलब होता है दोस्तों झगड़ालू। ठीक, तो ये था आज का वर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों आइडियम फ्रेज पर चलते हैं, आईपी पर चलते हैं, और आईपी क्या है दोस्तों देखिएगा, ठीक, आइडियम एंड फ्रेज पर चलते हैं दोस्तों, और आईपी क्या है दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करिए, जय हिंद का कमेंट करिए दोस्तों, मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूं, जय हिंद का एक बार कमेंट करिए, और पता लगना चाहिए कि हाँ हम लोग एयरफोर्स के बंदे हैं, इतने जय हिंद कमेंट करो दोस्तों कि जो है, जो देख रहा हो आज फर्स्ट डे हो, उसको पता चले कि हाँ जय हिंद, कितने देश प्रेमी हैं हम लोग दोस्तों। एक बार जल्दी से एकदम तहलका मचना चाहिए दोस्तों, तहलका मचना चाहिए, हर जगह फैला दो दोस्तों, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां भी हो आप हर जगह फैला दो दोस्तों कि दमदार क्लास चल रही है दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग हर जगह फैला दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं आगे, आईपी पर चलते हैं, आइडियम फ्रेज पर चलते हैं, और सबसे पहला वर्ड दोस्तों, ए रोलिंग
ए रोलिंग स्टोन। जी हाँ दोस्तों, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ए रोलिंग स्टोन। ठीक, ए माने एक, रोलिंग मतलब टहलता हुआ घूमता हुआ, स्टोन मतलब पत्थर। स्क्रीन पर दिखने का मतलब कि दोस्तों आपकी वो पीपीटी नहीं लगी है, स्क्रीन पर दिखने का मतलब मैंने लिख दिया है वो दिख रहा है। तो दोस्तों देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए रोलिंग स्टोन मतलब एक लुढ़कता हुआ पत्थर। मतलब क्या हुआ दोस्तों, लुढ़कता हुआ पत्थर का मतलब हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति जो स्थिर न रहता हो, मतलब एक व्यक्ति जो एक जगह पे स्थिर ना हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ए रोलिंग स्टोन। मतलब कि आज यहां है, कल वहां चले गए, परसों वहां चले गए, नरसों वहां चले गए, मतलब कि एक जगह पर अगर स्थिर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, ए रोलिंग स्टोन कहेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए पर्सन हु लाइक टू मूव ऑफ्टन, ए पर्सन हु लाइक टू मूव ऑफ्टन। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु लाइक मतलब जो पसंद करता हो, टू मूव ऑफ्टन मतलब सदैव घूमना, एक आदमी जो सदैव घूमना पसंद करता हो दोस्तों उसे क्या कहेंगे, ए रोलिंग स्टोन। और ए रोलिंग स्टोन का मतलब हमने क्या बताया कि एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा यहां पे नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, उसको मैं बोल दे रहा हूं, ए रोलिंग स्टोन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला, या फिर ए पर्सन हु लिव टू मूव ऑफ्टन। ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु लिव माने जो रहता हो, मूव ऑफ्टन मतलब सदैव क्या करता, घूमना घूमता रहता। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गोल्डन हैंड शेक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। क्या लिखा है, गोल्डन हैंड शेक। जी हां दोस्तों, गोल्डन हैंड शेक आप देख रहे होंगे दोस्तों, गोल्डन हैंड शेक मतलब क्या हुआ, गोल्डन मतलब सोने का और हैंड शेक मतलब होता है हाथ मिलाना, मतलब सोने का हाथ मिलाना, सोने का हाथ मिलाना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेवानिवृत्त के बाद, सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली धनराशि। जी हां दोस्तों, दोस्तों सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली जो धनराशि होती है उसे कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। जी हां, गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कि सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली धनराशि। और दोस्तों देखिए, अब चूंकि ये होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको एक रकम दी जाती है जो उसके हर महीने की इनकम से कटता रहता है, तो उसको इकट्ठा वो चीज दिया जाता है दोस्तों। तो वही चीज है, एक गोल्डन हैंडशेक मतलब सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली धनराशि। तो इसका क्या होगा दोस्तों, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं दोस्तों, तो ए बिग सम ऑफ मनी, ए बिग सम ऑफ मनी मतलब एक एक बड़ी रकम, ए बिग सम ऑफ मनी एक बड़ी रकम, गिवन टू ए पर्सन, गिवन टू ए पर्सन मतलब ए बिग सम ऑफ मनी एक बड़ी रकम, गिवन टू ए पर्सन एक आदमी को दी जाती है। और कब दी जाती है, कब दी जाती है दोस्तों, व्हेन ही लीव्स ए कंपनी या रिटायर, व्हेन ही लीव्स ए कंपनी और रिटायर। मतलब कि जब वह आदमी क्या करता है, किसी कंपनी को छोड़ता है, किसी कंपनी को छोड़ता है दोस्तों, या फिर वो रिटायर होता है, तो उसे एक धनराशि दी जाती है और उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक गोल्डन हैंडशेक मतलब सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली धनराशि। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली धनराशि। और हमने बताया ए रोलिंग स्टोन का मतलब एक स्थान पर न रहने वाला आदमी। उसी तरह दोस्तों अगला चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, और आप लोग लिखते होंगे, और अगर मजा आ रही हो दोस्तों वीडियो लाइक करिए, मजा आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिए, और कल का टारगेट तोड़िए दोस्तों, इतना लाइक करिए दोस्तों कि कल से ज्यादा लाइक होनी चाहिए दोस्तों, और कल जो है कल से ज्यादा
देखने भी चाहिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए और कल का रिकॉर्ड तोड़िए दोस्तों आप लोग। आगे चलते हैं, फीलिंग ए बाइट अंडर द विदर। फीलिंग ए बाइट अंडर द, यहां पे नहीं लिखा होगा, अंडर द विदर, ठीक, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर। फीलिंग ए बाइट अंडर द विदर मतलब क्या हुआ दोस्तों? फीलिंग मतलब महसूस करना, ए बाइट एक टुकड़ा, अंडर द विदर मतलब अंदर, अंदर, अंदर। कल भी एक इसी तरह मैंने बताया था, ठीक, कल भी मैंने एक बताया था इसी तरह। और क्या बताया था दोस्तों? गेट अंडर स्किन। तो गेट अंडर स्किन मतलब होता है कि जब शरीर के अंदर कुछ चली जाए तो परेशानी होती है दोस्तों। तो और यहां पर क्या है कि फीलिंग ए बाइट मतलब शरीर की फील मतलब महसूस करना, वहां था दोस्तों गेट अंडर स्किन मतलब शरीर के अंदर अगर कुछ चला जाता है तो वहां पे क्या होती है, परेशानी होती है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है, कहेंगे ना कि यार आज कुछ मतलब कि अंदर से ऐसा लगता है कुछ मतलब कि ठीक नहीं लगता है, फील मतलब अच्छा फील नहीं होता है, मतलब उसकी तबीयत खराब है दोस्तों, मतलब क्या हुआ, फीलिंग ए बाइट अंडर द वेदर का मतलब होता है दोस्तों बीमार महसूस करना। जी हाँ, बीमार महसूस करना। मजा आ रही है दोस्तों तो लाइक करिएगा, मजा आ रही है दोस्तों तो लाइक करिएगा। मतलब क्या हुआ, फीलिंग ए बाइट अंडर द वेदर का मतलब होता है दोस्तों बीमार, लिख दिया मैंने, बीमार महसूस करना, ठीक, बीमार महसूस करना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये आपका, आप देख रहे होंगे, फीलिंग स्लाइटली इल। जी हां दोस्तों, फीलिंग स्लाइटली इल, फीलिंग स्लाइटली इल। जी हां दोस्तों, फीलिंग स्लाइटली इल, एस एल आई जी एच टी एल वाई, फीलिंग स्लाइटली इल। तो फीलिंग स्लाइटली इल का मतलब होता है दोस्तों बीमार महसूस करना, या फिर फीलिंग ए बाइट अंडर द वेदर अगर लिखा कहीं आ गया दोस्तों तो उसका मतलब भी होता है यही, बीमार महसूस करना। और आज का चौथा और आखिरी वर्ड है दोस्तों, आज का चौथा और आखिरी वर्ड है एड फ्यूल, एड फ्यूल टू द फायर। जी हाँ दोस्तों, एड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या हुआ दोस्तों, एड माने डालना, फ्यूल माने तेल, यफ है दोस्तों ये, एड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में तेल डालना या फिर आग में घी डालना। जी हाँ दोस्तों, आग में घी डालना मतलब कि अगर दो आदमी लड़ रहे हैं तो तीसरा आके और उसमें भर रहा है, मार, हाँ मार सा लेके, मार मार मार, हाँ मार। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दो लोग जब लड़ रहे हो तो तीसरा व्यक्ति उसमें जो क्या करता है, तीसरा व्यक्ति उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात उसकी क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, उत्तेजक का कार्य करता है, उत्तेजक पदार्थ का कार्य करता है। तो वही चीज आपका रहता है दोस्तों, एड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या हुआ दोस्तों, आग में घी डालना। तो या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, काज, काज ऑफ सिचुएशन, काज माने कारण, ऑफ माने का, सिचुएशन माने सिचुएशन, टू बिकम वर्स खराब करने का, टू बिकम वर्स मतलब कि सिचुएशन को खराब करने का कारण बनना, मतलब क्या हुआ दोस्तों, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू द फायर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, अगर मजा आ रही हो दोस्तों तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए और बताइए कि क्लास कैसी लगी दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए और क्लास कैसी लगी दोस्तों बताइए। जो आज नए होंगे दोस्तों वो दो तीन दिन क्लास देखिए, उसके बाद फिर आपको फील होगा, खुद ही खुद महसूस होगा कि हाँ आप कुछ तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको खुद पता लगेगा दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में शाम को 7 बजे, और शाम को 7 बजे नहीं दोस्तों, शाम को 4 बजे, ठीक, शाम को 4 बजे मिलेंगे दोस्तों। और रिमाइंडर लगा लीजिएगा, क्लास आपकी दिख रही होगी दोस्तों, उसमें नोटिफिकेशन दिख रही होगी, आप रिमाइंडर लगा लीजिएगा दोस्तों, 4 बजे मिलिएगा। और कम्युनिटी टैब पर जाकर के वहां पर अपना जो मतलब कि कमेंट है उसको करना ना भूलिएगा, वहां पर बताइएगा कि आप एक्स ग्रुप के हैं कि वाई ग्रुप के हैं, ठीक, तो जिससे क्लासेस चलवाने में आसानी हो दोस्तों। तो